हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे एंड यू ऑल मस्ट बी लर्निंग समथिंग न्यू विद मी एवरीडे। फ्रेंड्स, जैसा कि अपन जानते हैं कि इंडिया में शेयरइट एंड जेंडर ऐप बैन हो गई है एंड आई एम रिसीविंग लॉट ऑफ क्वेरीज फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल्स एंड दे आर कंफ्यूज्ड कि अब कौन सी एप्स वो यूज कर सकते हैं ताकि वो अपने डेटा को इजीली एंड क्विकली मल्टीपल डिवाइसेस में शेयर कर सके। तो फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बहुत ही अच्छा हुआ कि जेंडर एंड शेयरइट ऐप को बैन कर दिया गया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज अगर अपन ऐप साइज की बात करें, 30-40 MB का स्पेस शेयरइट और जेंडर ऐप कंज्यूम करती है अपने मोबाइल में। उसके बाद अगर अपन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की बात करें तो शायद ये आपको पता नहीं होगा कि ये एप्स 30-40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमिशंस मांगती है अपने मोबाइल में। लाइक दे आर आस्किंग फॉर योर लोकेशन एंड दे आर टेकिंग योर परमिशन टू मैनेज योर फोन कॉल्स, टू एक्सेस योर गैलरी। फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए कि कोई शेयरिंग ऐप को क्या जरूरत है आपकी लोकेशन को ट्रैक करने का, और वो क्यों आपसे परमिशन मांग रहे हैं कि वो आपकी फोन कॉल्स को मैनेज करें। फ्रेंड्स, अपन अज्यूम भी नहीं कर सकते कि अपना कितना डेटा लीक हो रहा है इस तरह की एप्स यूज करके। साथ के साथ जब भी अपन शेयरइट को ओपन करते हैं तो अपन देखते हैं उसमें अननेसेसरी के तो एड्स आते हैं और साथ के साथ उसमें अननेसेसरी वीडियो कंटेंट होता है। आप मुझे बताइए कि मैं जेंडर और शेयरइट ऐप क्यों यूज कर रहा हूँ। मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि मैं फाइल को शेयर कर सकूँ एंड आई एम नॉट यूजिंग इट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। तो फ्रेंड्स, मैं तो यही कहूंगा कि बहुत ही अच्छा हुआ जो ये शेयरइट और जेंडर जैसी एप्स बैन हो गई है। अब अपन डिस्कस करते हैं अबाउट दोज एप्स विच वी कैन यूज एज एन अल्टरनेटिव फॉर दीज एप्स। नाउ इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट 3 एप्स एंड आउट ऑफ दोज 3 एप्स 2 एप्स आर मेड इन इंडिया एंड 3rd ऐप वो है जिसपे आप आंख बंद करके भी ट्रस्ट कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट आर फर्स्ट शेयरिंग ऐप विच इज शेयर ऑल। सो माई डियर फ्रेंड्स, ये शेयर ऑल ऐप जो है वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और ये इंडियन बेस्ड है। अगर अपन एप्लीकेशन की साइज की बात करें देन इट इज कंज्यूमिंग जस्ट 6.4 MB ऑफ स्पेस इन योर मोबाइल। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर अपन परमिशंस की बात करें देन दीज एप्स आर आस्किंग फॉर वेरी लेस परमिशंस इन कंपैरिजन टू शेयर इट एंड जेंडर। अपार्ट फ्रॉम दिस, बाय यूजिंग दिस शेयर ऑल ऐप वी कैन इजिली ट्रांसफर फाइल्स ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स और उसमें कोई साइज लिमिटेशन भी नहीं है, विच मीन्स दैट हम काफी बड़ी साइज की फाइल भी इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस ऐप। एंड टू शेयर डेटा बाय यूजिंग दिस ऐप वी डोंट नीड एनी इंटरनेट। सिर्फ दो चीज की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट वन इज ब्लूटूथ ताकि अपन अदर डिवाइस से कनेक्ट कर सके एंड द सेकंड रिक्वायरमेंट इज ऑफ वाईफाई बिकॉज दिस ऐप यूज वाईफाई डायरेक्ट टू ट्रांसफर द फाइल फ्रॉम वन मोबाइल टू अदर मोबाइल। अगर अपन फाइल ट्रांसफर स्पीड की बात करें तो अपन क्विकली फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं अप टू 20 MBPS ऑफ स्पीड। And one more thing, this ShareAll app is available for Android devices. Now, my dear friends, let us discuss about our second app, which is also an Indian-based app, and that app is JioSwitch. As we all know that Jio is very familiar telecom industry in India, so we can easily trust on JioSwitch. अगर अपन ऐप साइज की बात करें देन इट कंज्यूम ओनली 5.7-6 MB ऑफ स्पेस इन योर मोबाइल। व्हाट एल्स यू नीड, अगर आप कंपेयर करेंगे शेयरइट और जेंडर जैसी ऐप से जो कि 30-40 MB ऑफ स्पेस ले रही थी, देन दीज एप्स आर जस्ट टेकिंग लेस देन 10 MB ऑफ स्पेस इन योर मोबाइल एंड वी कैन ट्रांसफर एनी टाइप ऑफ फाइल बाय यूजिंग दिस JioSwitch ऐप। इसमें अपने को ना तो कोई केबल कनेक्ट करने की जरूरत है एंड नाइदर वी नीड इंटरनेट टू ट्रांसफर आवर फाइल्स। एंड वन गुड थिंग अबाउट दिस ऐप इज दैट इट इज एन एड्स फ्री ऐप एंड इसमें कोई अननेसेसरी कंटेंट भी नहीं होता है जैसा कंटेंट अपने को देखने को मिलता है जब अपन शेयरइट या जेंडर जैसी एप्स को ओपन करते हैं। एंड दीज एप्स आर आस्किंग फॉर मिनिमम रिक्वायर्ड परमिशंस फ्रॉम द यूजर। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर अपन स्पीड की बात करें देन वी कैन ट्रांसफर एनी टाइप ऑफ फाइल विच इज 100 times फास्टर इन कंपेरिजन टू द फाइल विच वी ट्रांसफर बाय यूजिंग ब्लूटूथ। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, बाय यूजिंग दिस JioSwitch ऐप वी कैन ट्रांसफर आवर डेटा सेफली एंड सिक्योरली एंड दैट इज बिकॉज कोई प्राइवेसी इशू नहीं है बिकॉज दीज एप्स आर आस्किंग फॉर मिनिमम रिक्वायर्ड परमिशंस। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट जियो ऐप इज दैट वी कैन यूज दिस ऐप नॉट ओनली इन आर एंड्रॉइड मोबाइल फोन्स बट वी कैन आल्सो यूज दिस ऐप फॉर आर iOS मोबाइल्स। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट आर नेक्स्ट फाइल शेयरिंग ऐप विच इज एन अल्टरनेटिव ऑफ शेयरइट एंड जेंडर ऐप। फ्रेंड्स, दिस ऐप इज नॉट
इंडियन बेस्ड बट वी कैन इजिली ट्रस्ट दिस ऐप बिकॉज दिस इज द ऐप विच इज प्रोवाइडेड बाय आर मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म दैट इज गूगल एंड द नेम ऑफ दिस ऐप इज फाइल्स बाय गूगल. तो फ्रेंड्स अगर अपन बात करें ऐप साइज की देन इट इज कंज्यूमिंग ओनली 7 MB ऑफ स्पेस इन योर मोबाइल. अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज आस्किंग फॉर मिनिमम रिक्वायर्ड परमिशन. और सबसे खास बात इस ऐप की ये है इट इज एड फ्री ऐप. अगर अपन ये फाइल्स ऐप यूज करते हैं फाइल ट्रांसफर के लिए तो इसमें कोई अननेसेसरी इरिटेटिंग एड्स नहीं आते एंड बाय यूजिंग दिस ऐप वी कैन ट्रांसफर द फाइल्स ऑफलाइन दैट इज वी डोंट नीड इंटरनेट फॉर शेयरिंग द फाइल्स बाय यूजिंग दिस ऐप एंड वी कैन ट्रांसफर फाइल ऑफ एनी फॉर्मेट एंड इफ यू टॉक अबाउट द स्पीड ऑफ फाइल ट्रांसफर देन इट इज वेरी हाई and that is up to 480 Mbps to 500 Mbps and it also provides us a facility of cloud backup. Suppose we are having shortage of space in our mobile then in that case we can save our file on cloud and agar apan cloud ya google drive pe file ko store karenge then we can easily transfer that file from anywhere. Apart from this is files app ki khas baat ye hai it also provides us an clean up option. Apan apne mobile mein se easily unnecessary files ko clean kar sakte hain जो अननेसेसरी डेटा है या फिर कोई ऐसी फाइल जो अपन काफी टाइम से यूज नहीं कर रहे हैं वी कैन इजिली क्लीन अप आर मोबाइल बाई यूजिंग दिस फाइल्स ऐप. अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन ऑल्सो यूज दिस फाइल्स ऐप एज अ फाइल मैनेजर इन आर मोबाइल. तो ये एक मल्टी कॉम्बो ऐप है जो कि अपने को फैसिलिटी दे रही है क्लीन अप के लिए. अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज ऑल्सो गिविंग अस अ फैसिलिटी ऑफ फाइल मैनेजर एंड फाइल शेयरिंग तो अपन इजिली कर ही सकते हैं बाई यूजिंग दिस फाइल्स ऐप एट अ वेरी फास्ट स्पीड. एंड वन मोर थिंग ये जो फाइल्स ऐप है इट कैन बी यूज फॉर आर एंड्रॉइड मोबाइल्स. तो फ्रेंड्स अब अपने पास तीन तीन ऐसे ऑल्टरनेटिव है जिनको यूज करके वी कैन ईजिली ट्रांसफर आर फाइल्स एट अ वेरी फास्ट स्पीड एंड जो की सिक्योर है एंड दीज एप्स आर नॉट प्लेइंग विद आर प्राइवेसी. तो मैं उम्मीद करता हूँ की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा एंड जिन लोगों की भी क्यूरियस थी की वो कौन सी फाइल शेयरिंग एप्स यूज करे आई बिलीव दैट की आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो उनके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे. सो फ्रेंड्स स्टे ट्यून्ड विद मी एंड subscribe my channel so that you can get all the updates of my upcoming videos.